हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे चाहे आप टिफ़िन या लंच या डिनर में भी बना सकते हो। देखिए, मैंने एक कच्चा आलू ले ली हूँ, अब इसको मैं छील लूँगी। अब देखिए, मैंने आलू को छील ली हूँ, अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। देखिए, अब ये आलू को मैंने कद्दूकस कर ली हूँ। अब ये कद्दूकस किए हुए आलू को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच इसमें हमने टेस्ट के मुताबिक एक चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। अब सभी मसालों को हम हाथों से इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें हम एक कटोरी आटा डालेंगे। लगेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी आटा डाल सकते हैं बाद में। अब इसमें हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम 2-3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे। अगर बच्चों के लिए आपको ये नाश्ता बनाना है तो हरी मिर्ची नहीं डालें। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाली हूँ, जो आलू का पानी छूटा है उसी पानी से हम इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हमको पानी की तो इसमें हम पानी डालेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से गूंदना है, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह इसे हमें गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना अच्छा नाश्ता बन के तैयार होगा। अब देखिए, इसका हमने एक डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसकी हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। लोई को हम ज़्यादा छोटी भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा बड़ी भी नहीं करेंगे। देखो, इस तरह की रखेंगे हम। अब देखिए, हमने थोड़ी बहुत लोई बना के तैयार कर ली है। अब इसको हम बेल लेंगे। अब देखिए, इसको हमने बेल लिया है ये पूड़ी को। ऐसा करके हम सभी पूड़ी बेल के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब ये तेल अच्छे से गरम हो गया। मैंने पहले से ही इसे गरम करने चढ़ा दी थी गैस पर। अब अच्छे से हम अलट पलट करके पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। इसे आप चाहे टिफ़िन हो या लंच हो या फिर डिनर में भी खा सकते हो इसे। अब देखिए, पूड़ी फ्राई हो चुकी है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे सभी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। आप इसे अचार के साथ या बूंदी के रायते के साथ या आलू भुजिया के साथ या टमाटर की चटनी के साथ, आपको जो पसंद हो किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हो। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं गाइज एक और नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।